इस बार 16 जुलाई को दुर्लभ योग बन रहा है और दुर्लभ योग बहुत खास है। दरअसल 149 साल बाद गुरु पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लग रहा है, साथ ही खडग्रास चंद्र ग्रहण समेत चार विपरीत ग्रहों के मेल का प्रभाव जातकों की राशियों पर दिखाई देगा। ये रिपोर्ट देखिए। सोलह जुलाई गुरु पूर्णिमा पर एक बार फिर वैसे ही ग्रह और नक्षत्रों का संयोग बन रहा है जो 149 साल पहले बना था। सालों बाद ग्रह और नक्षत्रों के संयोग को ज्योतिषाचार्य विशेष मान रहे हैं। उन्होंने ग्रहों की स्थिति को तनाव बढ़ाने वाला और प्राकृतिक आपदाओं का कारक बताया है। खंडग्रास चंद्र ग्रहण समेत चार विपरीत ग्रहों के मेल का प्रभाव जातकों की राशियों पर दिखाई देगा। 149 साल पहले 12 जुलाई 1870 को गुरु पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण साथ पड़े थे। राशियों पर होगा प्रभाव। मेष, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि पर चंद्र ग्रहण का समान प्रभाव रहेगा। मिथुन, तुला, मकर और कुंभ राशि पर अशुभ प्रभाव और वृष, कर्क, धनु और कन्या पर चंद्र ग्रहण का मिला जुला प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक ग्रहण काल में नकारात्मक और हानिकारक किरणों का प्रभाव रहता है, इसीलिए सूतक को अशुभ मुहूर्त माना जाता है। इस दौरान शुभ कार्य किया जाना वर्जित होता है। ग्रहण का मुहूर्त और सूतक। चंद्र ग्रहण की पूरी अवधि कुल 3 घंटे की होगी जो 16 जुलाई की रात 1:31 से शुरू होकर 17 जुलाई की सुबह 4:31 पर मोक्ष होगा। ग्रहण उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और धनु राशि में लगेगा। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लगता है जो 16 जुलाई की दोपहर 1:31 से शुरू होकर 17 जुलाई की सुबह 4:31 पे समाप्त होगी। सूतक काल में मंदिरों के पट बंद रहेंगे। ग्रहण को लेकर प्रचलित कुछ नियम। ग्रहण के दौरान क्या ना करें। चंद्र ग्रहण के दौरान स्नान ना करें। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करें। ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखें। आंखों पर बुरा असर पड़ता है। मंत्रों का जाप करें। ग्रहण के दौरान क्या करें। घर में कोई लंबे समय से बीमारी है तो ग्रहण के बाद घी और खीर से हवन करें। ग्रहण के दौरान प्राणायाम और व्यायाम करना चाहिए। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद घर में शुद्धता के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। स्नान के बाद भगवान की मूर्तियों को स्नान कराकर उनकी पूजा करें। जरूरतमंद व्यक्ति और ब्राह्मणों को अनाज का दान करना चाहिए। साथ ही इस बार खगोल विज्ञान में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए ये नजारा बेहद शानदार होगा, बशर्ते मौसम साफ हो। वहीं ये चंद्र ग्रहण भारत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया और यूरोप के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया।